गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसके विषय में विस्तृत अध्ययन करें। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना या अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना, क्या क्या उसके नियम है, कैसे बनाए जाते हैं, उसके विषय में जानकारी दी गई। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। नंबर एक, जब अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लिंकिंग वर्ब यानी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जो बी से बनती है, ई, जा, रहा, वाज, वेयर, अगर यह आए हुए हैं, ऐसे क्रियाओं के साथ नेगेटिव बनाने के लिए उनके बाद नॉट रख दिया जाता। कहा जा रहा रूल नंबर एक है कि जब किसी वाक्य के अंतर्गत लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इज, आर, एम, वाज, वर का यानी बी से बनने वाली क्रियाओं का प्रयोग होता है, यानी वाक्य में वो अकेले आए मुख्य क्रिया के रूप में आए हैं, तो वह लिंकिंग वर्ब में होता है, तब नेगेटिव बनाने के लिए उनके ठीक बाद नॉट रख दीजिए, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव, राम इज ए टीचर, यहां इज लिंकिंग वर्ब है, अकेले आए है, मुख्य क्रिया के रूप में आया है, यह वाक्य का अर्थ पूरा नहीं करता। ऐसे वाक्यों का नेगेटिव बनाने के लिए इज के बाद नॉट रख दिया, राम इज नॉट ए टीचर। आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, आई एम के बाद आई एम नॉट टायर्ड, ठीक, आसान तरीका है, यानी इज, आर, एम, वाज, वर के बाद आप नॉट रख दीजिए। दीज वॉयज आर वॉइस, ये लड़के बुद्धिमान है, These boys are not wise. She was in the garden. वो बगीचे में थी, तो she was not in the garden. You were happy. You were not happy. यानी पहला नियम आपका यह हुआ कि अगर किसी वाक्य के अंतर्गत इज, आर, एम, वाज, वर लिंकिंग रूप के वर्ब के रूप में आए हैं, यानी मुख्य क्रिया के रूप में आए हुए हैं, अकेले आए हुए, तो उनका नेगेटिव बनाने के लिए, उस वाक्य का नेगेटिव बनाने के लिए उस क्रिया के तत्काल बाद नॉट रख दीजिए। नंबर दो रूल है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, यानी बी से बनने वाले और हैव से बनने वाले सहायक क्रिया के रूप में अगर रहते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव और हैड, ये अगर आठ, ये आठ हुए, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई सहायक क्रिया के रूप में आता है तो नेगेटिव बनाने के लिए इनके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता। मतलब एक सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड में से आई है, उसके बाद मुख्य क्रिया आई है, इसके तत्काल बाद आप नॉट रख देंगे, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया अपनी जिस फॉर्म में होती है वैसे ही लिख देते हैं, उसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होती है। सीधे कहिए कि अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें एक सहायक क्रिया आई है और दूसरी मुख्य क्रिया आई है, तो सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया के पहले नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को छोड़कर और पास्ट इंडिफिनिट टेंस को छोड़कर जो टेंसेज आते हैं उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल एक सहायक क्रिया की बात की गई है, एक सहायक क्रिया आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में नहीं, पास्ट परफेक्ट में आता है, पैसिव वॉइस में आता है एक एक सहायक क्रिया। तो कारण जब सहायक क्रिया एक आई हो उसके बाद मुख्य क्रिया, तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दीजिए,
जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव। पहला है सीता इज लर्निंग ए पोयम, इज सहायक क्रिया है, लर्निंग मुख्य क्रिया है। नेगेटिव बनाना है, इसके बाद नॉट रख दीजिए, सीता इज नॉट लर्निंग ए पोयम, सीता इज नॉट लर्निंग ए पोयम। फिर उधर चार्ट उसका बनाया गया अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव का चार्ट उधर दिया हुआ है कि इसमें दूसरा वाक्य आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू आगरा, आई एम नॉट गोइंग टू आगरा। इसमें आप देख रहे हैं आई एम के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया। डी वाइज आर प्लेइंग, आर सहायक क्रिया है, प्लेइंग मुख्य क्रिया, ठीक। एक सहायक क्रिया ही है, उसके बाद मुख्य क्रिया आई है, तो आर के बाद नॉट लगा दिया। डी वाइज आर नॉट प्लेइंग, डी वाइज आर नॉट प्लेइंग। चौथा सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वाज सहायक क्रिया हो गया, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी वाज सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दिया। दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे थे, दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे थे, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहे थे, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। This boy is punished every day. इज सहायक क्रिया, पनिश्ड मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में इससे मतलब नहीं है। अगर एक सहायक क्रिया है और उसके बाद मुख्य क्रिया आई है तो सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर दीजिए। तो दिस बॉय इज पनिश्ड एवरी डे, या लड़का, इस लड़के को रोज सजा दी जाती है। दिस बॉय इज नॉट पनिश्ड, दिस बॉय इज नॉट पनिश्ड। फ्रूट्स आर सोल्ड हियर, या फल बेचे जाते हैं, फ्रूट्स आर सोल्ड हियर, या फल बेचे जाते हैं, तो फ्रूट्स आर नॉट सोल्ड हियर, फ्रूट्स आर नॉट सोल्ड हियर। आई एम इनवाइटेड बाय देम, पैसिव वॉइस में आई एम इनवाइटेड बाय देम, आई एम नॉट इनवाइटेड बाय, I am not invited by them. Number 9, Ram was punished. Ram को सजा दी गई, तो Ram was not punished. Ram was not punished. He has sold his car. Present perfect में उसने कार बेच दिया है, सहायक क्रिया है, sold मुख्य क्रिया है, present perfect का active voice है। He has not sold his car. He has not sold his car. उसने अपनी कार नहीं बेची। We have won the match. हम लोगों ने मैच जीत लिया। तो we have not won the match. We have not won the match. He had completed the work. उसने काम पूरा कर लिया। He had not completed the work. उसने काम पूरा नहीं किया। मतलब रूल नंबर 2 में आपने यह देखा कि इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड, अगर सहायक क्रिया के रूप में आए हुए हैं और उसके बाद मुख्य क्रिया आई हुई है तो नेगेटिव बनाने के लिए इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड के बाद नॉट लगा दीजिए। और क्रिया जिस रूप में रखी गई है, अगर आई एन जी फॉर्म है तो आई एन जी, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, उसी रूप में उसे रख दीजिए, सेंटेंस नेगेटिव हो जाए। अब आएगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, जब सहायक क्रिया में एक से अधिक शब्द होते हैं, यानी कई शब्दों से मिलकर सहायक क्रिया बनी होती है, कह रहा जब सहायक क्रिया में एक से अधिक शब्द होते हैं, यानी कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तब उस सहायक क्रिया के पहले शब्द के बाद, यानी एक सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। इसमें कह रहा कि अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें सहायक क्रिया एक से अधिक शब्द आए हुए हैं, यानी कई शब्द सहायक क्रिया में आए हुए हैं, तो उस वाक्य का नेगेटिव बनाने के लिए पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद
बची हुई सहायक क्रियाओं तथा मुख्य क्रिया को उसी फॉर्म में लिख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। कर अगर ऐसा वाक्य है जिसमें सहायक क्रिया के स्थान पर कई सहायक क्रियाएं आ सकती हैं, यानी कई शब्द आते हैं सहायक क्रिया में, तो उसे पहले सहायक क्रिया के बाद नाट लगा देते हैं और शेष सहायक क्रियाओं को ज्यों का त्यों और मुख्य क्रिया को ज्यों का त्यों रख देते हैं, सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। जैसे सी हैज बीन स्लीपिंग इन द रूम फॉर 2 hours, वह कमरे में 2 घंटे से सो रही है, तो सी हैज नॉट बीन, हैज बीन 2 सहायक क्रिया लगी है, हैज भी और बीन भी है, तो कह रहा बाई तरफ से एक सहायक क्रिया छोड़ के यहां नॉट लगा देना है। सी हैज नॉट बीन स्लीपिंग इन द रूम फॉर 2 hours, सी हैज नॉट बीन स्लीपिंग इन द रूम फॉर 2 hours, वह कमरे में नहीं सो रही है। दूसरा है अफर्मेटिव, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, वह कठोर परिश्रम कर रहा है। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, वह कठोर परिश्रम कर रहा है फॉर 5 hours, 5 घंटे से कठोर परिश्रम। इसमें दे रखे हैं 2 सहायक क्रिया, हैड है और बीन है, तब मुख्य क्रिया आई है, एक सहायक क्रिया छोड़कर नॉट लगा दीजिए, ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 hours। इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत आपने यह देखा, 3 नियम देखा, एज आर एम वाज वर अगर लिंकिंग वर्ब के रूप में आए, अकेले आए हैं, मुख्य क्रिया के रूप में आए हैं, तो निगेटिव बनाने के लिए उनके बाद नाट रख दीजिए। फिर दूसरे रूल में यह सिखलाया गया, एज आर एम वाज वर हैज हैव हैड सहायक क्रिया के रूप में आए हैं तो, और अकेले हैं, उनके बाद मुख्य क्रिया आई है, तो उनके बाद नाट लगा दीजिए, सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। और इसके बाद यह दिखलाया गया कि अगर वाक्य में एक से अधिक सहायक क्रियाएं आई हैं तो पहली सहायक क्रिया छोड़कर नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। थैंक यू।